हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि आप सभी ठीक हैं, मस्त हैं और एंजॉय कर रहे हैं। तो ऑन डिमांड वीडियो की सीरीज पर आ चुके हैं। बहुत से बच्चों का कमेंट आया कि सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का रिविजन करा दीजिए, बहुत प्रॉब्लम आ रही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। तो आप सभी के एग्जाम चल रहे हैं, जैसे AKTU वालों के एग्जाम चल रहे हैं, आप MBA के स्टूडेंट हैं तो ये स्पेशली वीडियो आपके लिए है। BBA, BCom, UGC NET की तैयारी कर रहे हैं, हाँ BTech में भी फाइनेंशियल अकाउंट डाल दिया है, फाइनेंशियल अकाउंट एंड मैनेजर इकोनॉमिक्स दोनों एक कंबाइंड सब्जेक्ट आ चुका है, तो उनके लिए भी ये वीडियो होने वाला है। यूनिट फर्स्ट का अपन रिविजन करेंगे। रिविजन करने से पहले आपसे कुछ बातें, दो मिनट की बातें, कुछ इस तरीके की है कि आप भले कॉमर्स बैकग्राउंड के हो या नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हो, यदि नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं तब भी मैं बिगिनिंग स्टार्टिंग से पढ़ाना चाह रहा हूं और एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा आपको। आपको कुछ भी नहीं आता अकाउंट्स के बारे में तो परेशान होने की, घबराने की, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अपन कंप्लीट रिविजन करेंगे, अकाउंट्स का कैसा न्यूमरिकल आएगा वो भी आपको अटेम्प्ट करवाना सिखा दूंगा और थ्योरी आएगी वो भी अटेम्प्ट करना सिखा देंगे। यूनिट फर्स्ट जो है उसमें तो कोई न्यूमरिकल है नहीं, यूनिट सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जहां भी न्यूमरिकल आएगा अपन न्यूमरिकल करना भी साथ साथ में सॉल्व कर लेंगे। तो यकीन मानिए अकाउंट से आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल और इजी सब्जेक्ट है। बस आपको मेरे को ध्यान से सुनना है और बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया। आपकी ही कोशिशें हैं, आपका ही प्यार है कि जो हम आपके ऑन डिमांड वीडियो दे रहे हैं। और इसके अंदर हमने एक नई कोशिश भी करी है कि अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप जस्ट फील फ्री टू कमेंट, हम उसके लिए एक डाउट क्लियरिंग सेशन लाएंगे जो 1-to-1 भी हो सकता है, अपन उसको ऑनलाइन भी कंडक्ट कर सकते हैं या यूट्यूब लाइव क्लासेस के थ्रू भी अपन उसको कंडक्ट कर सकते हैं बिफोर योर एग्जाम। तो यदि आपको किसी क्वेश्चन के अंदर जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें अगर आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज लेट मी नो और वीडियो एंड तक जरूर देखिए ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। और कोई क्वेरी हो, कोई कमेंट हो तो प्लीज लेट मी नो, हमें बताइए, हमें अच्छा लगेगा। तो बिना कोई वक्त गवाए, एग्जाम का सीजन है इसलिए अपन डायरेक्ट वीडियो पर आते हैं और शुरू करते हैं। बेसिक से बताऊंगा, बिल्कुल एकदम ABCD से सीखेंगे अपन की अकाउंटेंसी की ABCD है क्या, और नॉन कॉमर्स क्या है तो उनको इस वीडियो से बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक आता है अपना फर्स्ट यूनिट का, वो आता है मीनिंग स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, मीनिंग स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। अब ये अकाउंटिंग सर क्या है और मीनिंग स्कोप क्या है, ये पूरी बुकिश थ्योरी पढ़ने से पहले एक छोटी सी बात समझते हैं। क्या समझते हैं कि पहले का जमाना जो था, ओल्ड टाइम जो था, उस समय मनी एक्सचेंज का काम नहीं होता था, प्रोडक्ट एक्सचेंज का काम होता था। किसका होता था? प्रोडक्ट एक्सचेंज का, यानी कि मेरे को कोई चीज खरीदनी है तो उसके बदले में मेरे को कोई प्रोडक्ट ही देना होता था, मनी देने की जरूरत नहीं होती थी। जैसे कि गेहूं की जगह मैं गेहूं की जगह मैंने आपको चावल दे दिया, आपने मुझे चावल की जगह कपास दे दिया, तो देयर इज समथिंग मार्केटिंग की आपसे समझ लीजिए, मार्केट में ऐसा व्यवहार किया जाता था। तो ओल्ड कॉन्सेप्ट यह था, फिर धीरे धीरे औद्योगिक क्रांति आई, धीरे धीरे आपका उद्योगों का विकास हुआ, धीरे धीरे जीवन का विकास हुआ और व्यापार ने जन्म लिया और जिसमें मुद्राओं का चलन शुरू हुआ, रोकड़ भइयों का चलन शुरू हुआ। तो जिसके कारण अब हमारे पास क्या हुआ, प्रोडक्ट मनी के अंदर एक्सचेंज होना शुरू हुआ। किसके अंदर एक्सचेंज होना शुरू हुआ? मनी के अंदर। तो जब ये मनी के अंदर शुरू हुआ तब सबसे खेल पूरा बिगड़ गया। पहले तो कमोडिटी था तो कोई खेल नहीं था, लेकिन मनी के अंदर शुरू हुआ तब भी ज्यादा खेल नहीं बिगड़ा। तब हमारे इसके अंदर क्या हुआ कि तब हमने ट्रांजेक्शन नोट करने शुरू करे। अब सर ये ट्रांजेक्शन क्या होते हैं? जो व्यवहार होता है, जो बिजनेस, आप ये कह सकते हो बिजनेस ट्रांजेक्शन का मतलब, या बिजनेस एक्टिविटीज है, बिजनेस की ऑपरेशनल एक्टिविटी, लाइक कि सामान खरीदा, सामान बेचा, किसी को कोई खर्चे चुकाए, जैसे कि मजदूरों को उनका मजदूरी का भुगतान किया, सैलरी दी, ये सारी की सारी चीजें ट्रांजेक्शन कहलाती है और इसी का बेस है आपका अकाउंट्स, ठीक है। तो ये ट्रांजेक्शन हो रहे थे तब भी कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन और नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बढ़े, वैसे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन का चलन शुरू हुआ जिसके अंदर हमको इनको नोट करना रखा। क्या करना रखा?
कि इनको नोट करना होगा। अब हर जना तो अपने हिसाब से कर सकता है। जैसे कि मैं कहता हूं कि एक छोटी सी चाय के गल्ले वाला है, वो चाय के गल्ले का उसका दिन भर का व्यापार, मान लीजिए दिन भर का व्यापार मात्र 150 रुपए है। कितना है? 150 रुपए। तो उसको अकाउंट्स का कोई खास नॉलेज होने की जरूरत नहीं है। वो 200 रुपए का सामान लाता है, 100 रुपए का सामान लाता है, 150 में बेच देता है, 50 रुपए कमाता है। जी हाँ, आपको सुन के हंसी आ रही होगी कि 150 रुपए पूरे दिन भर की कमाई। जी काफी भारतीय ऐसे हैं जिनके दिन भर की कमाई 150 रुपया है, जो आपके मोबाइल डेटा पैक से भी मंथली जिनकी इनकम, अगर आप जा रहे हैं कि आपके 200 रुपया आप मंथली खर्च कर रहे हैं, वो डेली का केवल 150 रुपया कमा पा रहे हैं। ऐसे बहुत से जने हैं, ठीक है। मजदूरों में भी बहुत कैटेगरी, तो आप काफी लकी हैं। तो ठीक है, उनको नोट करने की तो यहां तक दिक्कत नहीं थी, जब वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन कम था, अमाउंट कम था। लेकिन जैसे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बढ़ गए, जैसे कि अमाउंट बढ़ गया, जब व्यवहार ज्यादा होने लगे, व्यवहार को ही ट्रांजेक्शन बोला गया है, जब ट्रांजेक्शन ज्यादा होने लगे, नंबर ऑफ गुड्स ज्यादा सेल होने लगे, नंबर ऑफ पार्टीज ज्यादा होने लगी, तो एक ऐसे मेथडोलॉजी को जन्म देने की आवश्यकता हुई जो ये सारे ट्रांजेक्शन नोट कर सके, कि हम ये लिख सके कि ये एक राम को माल बेचा, रहीम से माल खरीदा, ठीक है, ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन हम नोट कर सके। इसी नोट करने की कला को ही, इसी नोट करने की कला को ही तो हमने अकाउंट्स बोला है। क्या बोला है? अकाउंट्स। इसी नोट करने की कला को ही तो अकाउंट्स बोला है। और अकाउंट्स की स्टडी को ही अकाउंटेंसी बोलते हैं। टेंसी, ठीक है। अकाउंट्स की स्टडी को अकाउंट्स बोलते हैं, अकाउंट्स की स्टडी को अकाउंटेंसी बोलते हैं, और जो अकाउंट लिखने का काम करता है उसको अकाउंटेंट बोलते हैं। ये एक नंबर में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है कि अकाउंटेंट किसको बोलते हैं, तो केवल ये लिख लीजिएगा जो अकाउंट्स लिखने का काम करता है। अभी अकाउंट्स लिखने को सर क्या कहते हैं? अकाउंट्स लिखने को अकाउंटिंग भाषा में कहते हैं बुक कीपिंग। क्या कहते हैं? बुक कीपिंग। वीडियो लंबा होगा क्योंकि मैं सारी चीजें बेसिक से बता रहा हूं, तो अगर आपको बेसिक आते हैं तो ये वीडियो काम का नहीं, लेकिन बेसिक नहीं आते तो सीख लीजिए, ये वन शॉट के अंदर सारी चीजें सिखा दूंगा। बुक कीपिंग यानी अकाउंट्स को लिखने को क्या कहते हैं? बुक कीपिंग कहते हैं। जिसको रोकड़ बही या बही खाता, आपने बही खाता वर्ड सुना होगा, बही खाता इसको कहते हैं। और जो ये कार्य करता है उसको अकाउंटेंट कहते हैं, यानी कि लेखाकार, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई, यानी कि जो बिजनेस के ट्रांजेक्शन है उनको लिखने की कला, उनको लिखने का आर्ट, कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन बने हुए हैं उसके द्वारा अगर कोई व्यक्ति उसको लिखता है तो वो अकाउंटेंट कहलाता है। जिन बुक्स में लिखता है, जो उसका प्रोसेस है, उसको बुक कीपिंग कहते हैं। यहां तक बात समझ में आ जानी चाहिए। अब अपन मीनिंग आ जाते हैं इसका, अब जो है वो बुकिश अपन देख लेते हैं। बुक क्या कह रही है भैया? बुक कह रही है फॉर मैनेजमेंट टू टेक डिसीजन, for management to make decision about the future of the firm, they required relevant financial information. There is an accounting step in the language of business that records, summarize, analyze all the transaction event of the firm. यानी कि सब summarize ही करना, ट्रांजेक्शन को एनालाइज भी करना और इस रूप में प्रेजेंट करना कि उससे डिसीजन लिया जा सके। यानी कि बुककीपिंग में ऐसी आर्ट से ना लिखा जाए कि जो केवल अकाउंटेंट ही जानता हो, एक मैनेजर को भी समझ में आए ऐसी भाषा के अंदर लिखना और डिसीजन लेने में हेल्प करना, ये बेसिक अकाउंटिंग फंक्शन भी है। अब अकाउंटिंग का मीनिंग अगर कोई पूछ लेता है तो रीडिंग, समराइजिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, एनालाइजिंग, वेरीफाइंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ द रिजल्ट। किसी ट्रांजेक्शन को लिखना, वेरीफाई करना, समराइज करना और मैनेजमेंट के डिसीजन में हेल्प लेना अकाउंटिंग कहलाता है। कितना इजी है बताओ? वर्क डन इन अकाउंटिंग बाय अकाउंटेंट, यहाँ लिखा है जो अकाउंटिंग का काम करता है वो कौन है? अकाउंटेंट है। द स्कोप ऑफ अकाउंटिंग इज वाइड एंड एक्सटेंड द बिजनेस को, क्या क्या आता है? अच्छा है, थ्योरी में क्वेश्चन पूछते हैं अकाउंटिंग के स्कोप में क्या क्या है, यह है ना सेकेंड पॉइंट। Extend in the business, trade, government, financial institute, individual, families, every other arena, the accounting principle is used to every step. Many things accounting scope is only limited to the financial transaction business concerned in the fact, not the true. आपको लगता है कि financial transaction तक ही accounts है? नहीं, non-financial activity में भी accounts का योगदान रहता है, लेकिन वो अकाउंटिंग इनडायरेक्टली वे में उनकी हेल्प करती है। यानी कि अकाउंट्स जो है वो वाइडर सब्जेक्ट है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वाइडर सब्जेक्ट है। इसमें गवर्नमेंट्स है, इसमें इंस्टीट्यूट्स हैं, इसमें आपके इंडिविजुअल है, इसमें कंपनीज हैं, इसमें वेंडर्स हैं, इसमें शेयर होल्डर है,
एक वर्ड में ये सब सिखाऊं, एक वर्ड में इसको बोलते हैं स्टेक होल्डर। क्या बोलते हैं? स्टेक होल्डर। क्या बोला जाता है? स्टेक होल्डर। अब ये स्टेक होल्डर क्या होते हैं सर? शेयर होल्डर तो हमने बार बार सुना है, स्टेक होल्डर क्या होते हैं? जो कंपनी से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए होते हैं वो कंपनी के स्टेक होल्डर कहलाते हैं। यानी कि कंपनी के वेंडर्स, कंपनी के एम्प्लॉय, कंपनी के कस्टमर, कंपनी के मालिक, कंपनी के लेबर, कंपनी के आप कह सकते हो सप्लायर, कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर, कंपनी के एजेंट, ये सभी मिल के क्या कहलाते हैं? स्टेक होल्डर, जो कंपनी से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए होते हैं। आगे बढ़ते हैं, इवोल्यूशन एंड यूजर ऑफ अकाउंटिंग। अब यह इवोल्यूशन यानी कि अकाउंटिंग कब आया, तो याद रख लेना 14वीं शताब्दी में आ गया था। कब आ गया था? 14th सेंचुरी में आ गया था, लेकिन ये नियम बनते बनते 18th सेंचुरी हो गई और मिस्टर लुकास ने नियम बनाए थे। लुकास पिशियाले उनका नाम है, लुकास, मिस्टर लुका करके मैंने याद कर रखा है, आप भी लुका करके याद कर लेना, ठीक है। बॉलीवुड पिक्चर थी एक सनी देओल की, जिसमें बॉबी देओल और सनी देओल दोनों अपने पिक्चर का नाम है, उसमें जो विलन रहता है मिस्टर लुका रहता है, जो फाइटर रहता है बड़ा, वैसे ही नाम याद रख लेना। ये फाइटर नहीं थे, इन्होंने अकाउंटिंग के जनक की तरह इनको उपाधि दी गई है। यानी कि इन्होंने कुछ नियम प्रतिपादित किए, आज अपन इनके नियम भी पढ़ेंगे। इन्होंने कुछ नियम दिए और आपको ये बात जान के आश्चर्य होगा, इन्होंने वन टाइम में ऐसे नियम दिए जो आज तक चेंज नहीं हुए। मतलब कि आप सोचेंगे कि साइंस के अंदर बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है ना, नियम चेंज हो जाते हैं, थ्योरीज चेंज हो जाती है, लेकिन इन्होंने जो थ्योरी दी, इन्होंने जो रूल्स रेगुलेशन बनाए कि अकाउंटिंग ऐसे करी जाए, हर ट्रांजैक्शन का व्यवहार ऐसे रखा जाए, वो आज तक बदले नहीं गए। तो इन्होंने कितना अच्छा बनाया, केवल उसको लिखने का तरीका बदल दिया है। मींस के पहले हम हाथ से लिखा करते थे, आज हम टैली सॉफ्टवेयर आता है उसके थ्रू कंप्यूटर में एंट्री करते हैं। तो ये मिस्टर लुकास ने बनाया। अब ये क्या है? ये तो इवोल्यूशन 14वीं शताब्दी से शुरू हुआ, 18वीं तक होते होते इसके सारे नियम प्रतिपादित हुए, मिस्टर लुकास ने करा। पिशियाले नाम है, शायद पिशियोली या याले इनका नाम है, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। माइनर है, कभी भी पूछा तो नहीं गया आज तक लेकिन ये पता होना चाहिए। हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी थाउजेंड्स ऑफ ईयर। ये कह रहे हैं कि मेसोपोटामियन सभ्यता में भी हमने अकाउंटिंग देखी है। क्यों? क्योंकि वो एक बहुत ही, जब आप पिरामिड, मिस्र के पिरामिड की बात कर रहे हैं, वो एक बहुत ही विस्तृत और आप ये कह सकते हो उन्नत सभ्यता थी। वहां पे भी अकाउंटिंग के कुछ इनको अवशेष मिले और तब से माना जाता है कि इजिप्शियन और वो भी अकाउंटिंग का कुछ कार्य करते थे, लेकिन उनके रूल्स मेथोडोलॉजी अलग थे, आज में वो प्रचलित नहीं है, लेकिन आप थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स मान सकते हो, लेकिन अपने तो 14th सेंचुरी। द एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल यूजर, कौन इसको यूज करता है? ऑनर यूज करता है, मैनेजर यूज करता है, एम्प्लॉई को यूज करता है अकाउंटिंग का, ताकि वो चेक कर सके कि मेरे को कंपनी में रहना है, भैया कंपनी लॉस में जा रही है, मेरे को कंपनी में काम अब ज्यादा दिन नहीं मिलेगा, मेरे को नए स्विच करना है, या कंपनी का इंक्रीमेंट लग रहा है, कंपनी अच्छा कर रही है तो मेरे को भी अच्छा मिलेगा। और एक्सटर्नल यूजर यानी शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट, लोन देने वाले बैंक्स, ये सभी एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं, इन्वेस्टर, टैक्स अथॉरिटीज। पार्ट ऑफ द प्रोसेस इंक्लूड देयर थ्री स्टेजेस। अकाउंटिंग में तीन स्टेज होते हैं, पहला होता है कलेक्टिंग, दूसरा होता है प्रोसेसिंग और तीसरा होता है रिपोर्टिंग। अकाउंटिंग में तीन स्टेज है, कौन कौन सी? कलेक्टिंग, प्रोसेसिंग एंड रिपोर्टिंग। केवल इवोल्यूशन कोई बड़ा कभी भी नहीं आया है इसका क्वेश्चन, केवल ये पूछा गया कब हुआ, तो आपको याद रख लेना सर मिस्टर लुकास ने दिया था और 14th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ था, 18th में आके मिस्टर लुकास ने इसके फाइनली रूल्स जो थे वो बता दिए थे। रूल्स अभी अपन पढ़ेंगे, ठीक है। हिस्ट्री जो रही है इसकी तो थाउजेंड्स ईयर पुरानी रही है। इजिप्शियन सभ्यता जो थी मेसोपोटामियन की, वहां से भी इसके अवशेष हमको देखने मिले हैं कि अकाउंटिंग के उनके भी रूल्स मानते हैं। बट इसको समरी दिया जाए, इसके स्टेजेस दिया जाए, तो फर्स्ट स्टेज है कलेक्शन, सेकेंड है प्रोसेसिंग एंड थर्ड है रिपोर्टिंग। आई होप क्लियर हो गया है। आगे बढ़ रहा हूं, बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। अब आया है ना मजा, अब आया है असली खेल, अभी तक तो अपन ऐसे ही चल रहे थे। बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, तो बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी क्या है? देयर इज अ लुक लाइक एट द थ्री मेन रूल्स। यहां पर थ्री मेन रूल की जगह वन मेन रूल ही कर दो, क्योंकि तीन तो मैंने लिखाया भी नहीं है, है ना। वन मेन रूल, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब ये सर डेबिट क्रेडिट क्या है अभी बताएंगे, यही रही है। पहले नीचे की लाइन तो पढ़ लू, बिजनेस एंटिटी, मनी मेजरमेंट, गोइंग कंसर्न, अकाउंटिंग पीरियड, कॉस्ट कंसेप्ट, ड्यूल एस्पेक्ट, रियलाइजेशन, एक्रुअल कंसेप्ट,
एंड मैचिंग कंसेप्ट, इतने सारे कंसेप्ट मिलके हमारा अकाउंटिंग बनाते हैं, हर एक कंसेप्ट आना चाहिए। पर अब डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर का क्या मतलब है, इसको समझने से पहले मैं बेसिक से चल रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा सारा समय लग रहा है, इसको समझने से पहले आपको ये बात बताई थी मैंने अभी कुछ समय पहले कि बुक कीपिंग का क्या मतलब है, यानी ट्रांजेक्शन को नोट करना। बुक कीपिंग का मतलब है, बी लिख देता हूँ, इसका मतलब है ट्रांजेक्शन को नोट करना, और ये नोट जिनमें कहा जाता है उनको कहते हैं जर्नल बुक। क्या कहा जाता है? जर्नल बुक्स। ठीक, जर्नल बुक की एंट्री, जर्नल बुक में एंट्री होने के बाद इसको समराइज करके हम लिखते हैं लेजर में। कहां लिखते हैं? लेजर में। ठीक, जर्नल को समराइज करके हम लिखेंगे लेजर में, और लेजर को समराइज करके हम लिखते हैं ट्रायल बैलेंस में। कहां लिखते हैं? ट्रायल बैलेंस में। और ट्रायल बैलेंस को समराइज करने की जरूरत नहीं होती लेजर को ही, इसको केवल वेरिफिकेशन के लिए, यानी कि जो हमने लेजर बनाया है उसमें कुछ एरर हो सकती है। 5 तरीके की एरर है, जैसे कि आप किसी का नाम लिखना भूल सकते हैं, आनंद की जगह आनंदा में एंट्री कर सकते हैं, 200 रुपए की जगह 2000 की एंट्री कर सकते हैं। तो उसके लिए हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं, फिर इसको प्रिपेयर करने के लिए हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट जो डिसीजन लेने में हेल्प करता है। इसमें क्या बनाते हैं हम? फाइनल अकाउंट। अब ये याद रखिएगा कि फाइनल अकाउंट 3 है। कितने हैं? कॉमर्स वालों को तो सब पता है, नॉन कॉमर्स को बता रहा हूं। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, P&L की फुल फॉर्म है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये 3 तरीके के अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट अकाउंट। ठीक है, हाँ, तो ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट अकाउंट। ठीक है, बैलेंस शीट को अकाउंट नहीं बोलते हैं, बैलेंस शीट एक तरीके का स्टेटमेंट होता है। केवल अभी आपको छोटा छोटा रफ रफ आइडिया याद रखना है। तो चलिए बेसिक टर्मिनोलॉजी पे आ जाते हैं। अब यहां पर क्या वर्ड आए हैं, तो सबसे पहले वापस से रिपीट कर देता हूं, जर्नल एंट्री बनती है, इसको थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, हाँ हो जाता है, जर्नल एंट्री बनती है, जर्नल के बाद लेजर बनता है, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनता है, और ट्रायल बैलेंस बनने के बाद हमारा फाइनल अकाउंट प्रिपेयर होता है, और फाइनल अकाउंट प्रिपेयर होता है, और फाइनल अकाउंट में 3 आते हैं, ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जो है वो एक तरीके का स्टेटमेंट है जो ये बताता है कंपनी के दायित्व कितने हैं, यानी लायबिलिटी कितनी, और कंपनी के पास संपत्ति कितनी, यानी एसेट्स कितनी। केवल इतना बेसिक याद रखना है। चलिए अब बेसिक टर्मिनोलॉजी पे फिर से आते हैं। बेसिक टर्मिनोलॉजी लिखा है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब इसके अंदर फिर से अपन को कुछ समझना होगा। इसके अंदर हमारी जर्नल एंट्री होती है। क्या होती है? जर्नल एंट्री होती है। जर्नल एंट्री अभी अपन ने सीखा था ना, जर्नल बुक, तो उसी तरीके से जर्नल एंट्री होती है। एक ही ट्रांजेक्शन बताऊंगा और आपके कोर्स के अंदर जितना है उतना ही बता रहा हूं। 11th कॉमर्स की क्लास शुरू नहीं करी है, ये MBA लेवल की क्लास चल रही है, इसलिए जितना है, भले नॉन कॉमर्स है लेकिन बेसिक पता होना चाहिए, इसलिए अपन को ये चल रहा है। तो जर्नल बुक, जर्नल एंट्री। अब ये सर जर्नल एंट्री क्या है, यानी कि कोई भी ट्रांजेक्शन उसको नोट करने का तरीका। वैसे तो ट्रांजेक्शन नोट करने का फॉर्मेट भी बनता है, फॉर्मेट कुछ इस तरीके का है कि ये जर्नल बुक ऊपर लिखी जाती है, यहां पर सीरियल नंबर आता है या डेट लिख सकते हो आप इसकी जगह। यहाँ तो यूजुअली डेट आ जाएगी, क्योंकि डेट जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ उस दिन डेट लिख दी अपन ने। चलिए एक बार इसको रब कर देते हैं। सबसे पहले यहां पर डेट आ गई, ठीक है, उसके बाद एंट्री आ गई, जर्नल बुक के अंदर जर्नल एंट्री होगी, एंट्रीज आ गई, एंट्री या एंट्री लिख देंगे, और तो एंट्री को एंट्री नहीं लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे हम पर्टिकुलर। क्या लिखेंगे? पर्टिकुलर। उसके बाद लेजर फ्रंट आता है, और उसके बाद अमाउंट लिखना होता है,
और इधर भी अमाउंट लिखना होता है, इधर डीआर का अमाउंट और इधर सीआर का अमाउंट। तो सर ये पूरा फॉर्मेट याद करना होगा? अरे नहीं याद करना होगा, केवल तुम्हें दिखाने के लिए बनाया है कि इस तरीके से जर्नल बुक होती है। तो चलिए सर, ये आपके कोर्स का हिस्सा भी नहीं है और ना अपन यहाँ पे अभी इस बात को डिस्कस करेंगे। तो सर कैसे करना है? तो जर्नल एंट्री, एक ही एंट्री बताऊंगा और उससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जर्नल एंट्री, सपोज गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर राम, गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर राम इन कैश। अब यहां पर मैंने एंट्री क्या लिखी? गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर राम 2000, 2000 रुपए के गुड्स खरीदे गए। चले कैश नहीं करके क्रेडिट मान लेते हैं कि राम ने राम से 2000 रुपए के गुड्स खरीदे। राम से क्या खरीदे? 2000 रुपए के गुड्स खरीदे। गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर राम वर्थ ऑफ रुपीज 2000। अब इतनी सी बात समझ में आ गई 2000 रुपए के। तो ये एक बिजनेस का ट्रांजैक्शन हुआ। अब इसको नोट कैसे किया जाता है? इसको नोट किया जाता है परचेज अकाउंट डेबिट, जिसको हम डीआर बोलते हैं, टू, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लिखते हैं, टू राम अकाउंट। और यहां पर 2000 रुपए इधर और इसके नीचे डैश और यहां पर 2000 रुपए लिख दिया जाता है। तो अब सर ये क्या हुआ? और इसके नीचे नरेशन भी आता है, बीइंग गुड्स परचेज टू राम, कि राम जी से गुड्स खरीदे। तो ये हो गई एक जनरल एंट्री। क्या सर इसके नियम आने जरूरी है? नहीं, इसके नियम बिल्कुल आने, आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है कि ये सर नियम कैसे होंगे, बिल्कुल सर समझ में नहीं आ रहा ये नियम क्या है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। नॉन कॉमर्स के लिए स्पेशली बोल रहा हूँ, कॉमर्स वालों को तो आता ही होगा, नहीं आता है तो भैया कह रहा क्या 5 साल, यदि परचेज की एंट्री नहीं कर पा रहे हो तो 5 साल, 11वीं 12वीं बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल ईयर 5 साल हो गए ना। तो परचेज अकाउंट डीआर टू राम, यहाँ पर हमारी डेट का कॉलम आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली एंट्री हो गई। अब सर हमको ये नियम पता होने चाहिए क्या, जनरल एंट्री कैसे होती है? नहीं पता होने चाहिए, चिंता ही मत करो, मैं जैसे सिखाऊंगा, जैसा आपके कोर्स में होगा वही सिखाऊंगा, लेकिन पहले जनरल एंट्री का प्रारूप ये है, इसके बाद परचेज अकाउंट बनेगा, राम अकाउंट बनेगा, ये सारे के सारे प्रारूप है, अपन को ये करना है। इतनी सी बात समझ में आ गई? आ गई हो तो बहुत बढ़िया, नहीं आई हो तो भी चिंता करने की बात नहीं। अब जो नियम बता रहा हूं, अगर कोई आपसे पूछ लेता है बेसिक अकाउंटिंग रूल्स, बेसिक अकाउंटिंग रूल्स, तो ये नियम आपको लिख लेने हैं। कौन सा? पहला नियम है, एसेट्स जो है अगर इन होती है, यानी कि बिजनेस में आती है, तो डेबिट होगी और आउट होगी तो क्रेडिट होगी। ये पहला है। दूसरा है, तीसरा, लायबिलिटी, इन होगी, लायबिलिटी इन होगी तो क्रेडिट होगी और आउट होगी तो डेबिट। एंट्री भी नहीं करनी पर ये नियम पता होने जरूरी है, ठीक है। चौथा नियम, अरे सॉरी चौथा तो यही हो गया, पांचवा नियम, पांचवा रूल, इनकम आएगी मार्केट में, आएगी सॉरी बिजनेस में, इन होगी तो सीआर होगी और आउट होगी तो डीआर। इसी तरीके से लास्ट नियम है एक्सपेंसेस। अच्छा इसको 7 नियम मान लेना, एक्सपेंसेस इन होते हैं तो डीआर हो जाते हैं, डीआर इज इक्वल टू डेबिट, और आउट होंगे तो सीआर, ठीक, आउट होंगे तो सीआर और इन होंगे तो डीआर। अब ये सर 6 नियम हमको, 8-6 थोड़ी हो गए, ये 7, छठा ये मान लेते हैं, 7वां ये मान लेते हैं और 8वां भी इसी का कॉमन चलेगा।
तो सर यही नियम है। हाँ यही नियम है। वैसे तो रियल, नॉमिनल और पर्सनल तीन तरीके के अकाउंट होते हैं और तीनों के नियम प्रतिपादित किए गए हैं, लेकिन अपन ये 8 नियमों से कोई भी जर्नल एंट्री कर सकते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, नहीं लेना तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वैसे भी अपने को तो ये नियम लिखने हैं, कोई जर्नल एंट्री तो बनानी है नहीं। तो चलिए ये बेसिक रूल हो गए। अब सर आगे वाले कंसेप्ट, शायद वो पिछले वाली स्लाइड है, हाँ। अब सर ये जो नियम यहां पर दे रखे हैं, कौन से दे रखे हैं? ये जो नियम यहां पर दे रखे हैं, बिजनेस एंटिटी, मनी मेजरमेंट, गोइंग कंसर्न, अकाउंटिंग पीरियड, कॉस्ट कंटर्म, ड्यूल एस्पेक्ट, रियलाइजेशन, एक्रुअल कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट, क्या ये सब पढ़ने? जी हाँ, ये सब पढ़ना है। ये सब आपके कोर्स का हिस्सा है, ये सब बुकिश थ्योरी है और अपन आज के ही वीडियो में इसको सीखेंगे। मैंने कहा वीडियो लंबा इसलिए है क्योंकि रिवीजन बेसिक से चल रहा है। आप भी मेरी समस्या समझ रहे होंगे कि मेरे को बिल्कुल बेसिक से नॉन कॉमर्स को भी साथ में लेना है, कॉमर्स को भी साथ में लेना है, ठीक है। और ये भी बताना है कि आपके कोर्स में कितना है, तो सर वो तो बताया नहीं अपने कहा कोर्स में, अरे आगे फिर आ रहा है वो, इसलिए है ना। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, देयर आर फोर प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। अब ये फोर प्रिंसिपल भी वो है, कंसेप्ट भी वो है और आगे जाके आपको फिर से मिलने वाले हैं कंसेप्ट। कौन से प्रिंसिपल है? जनरली एक्सेप्टेड, देयर आर कॉस्ट प्रिंसिपल, रेवेन्यू प्रिंसिपल, मैचिंग प्रिंसिपल और डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। कॉस्ट यानी कि हर चीज कॉस्ट पे लिखी जाएगी, प्रॉफिट नहीं जोड़ा जाएगा। रेवेन्यू प्रिंसिपल यानी कि रेवेन्यू प्रिंसिपल क्या कह रहा है? रेवेन्यू प्रिंसिपल बस ये कह रहा है कि जो भी हमारा रेवेन्यू है वो क्लियर कट मेजरमेंट होगा, इस साल का इसी साल शो होगा और हम इसके अंदर भी गलत भ्रांति नहीं देंगे। यानी कॉस्ट कॉस्ट पे लिखी जाएगी, रेवेन्यू यानी कि जो इनकम आ रही है वो भी इनकम उसी पॉइंट पे लिखी जाएगी, आने वाली डिम्ड इनकम नहीं लिखी जाएगी। मैचिंग कंसेप्ट यानी कि ड्यूल एंट्री होगी, हर एक ट्रांजेक्शन की दो एंट्री होगी और नीचे उनकी टोटल मिला दी जाती है। बैलेंस शीट में हमेशा याद रखना, टोटल मिले जाती है और तलपट के दोनों यानी कि ट्रायल बैलेंस के दोनों क्रम बराबर होते हैं, ठीक है। और फिर डिस्क्लोजर यानी कि जो वास्तविक स्थिति है वो बता दी जाएगी। तो सर यहीं पे बताना, आगे और भी है, एक्रुअल प्रिंसिपल भी आगे है, तो आगे और देख लेते हैं। भैया कहाँ है, सबको एक साथ निपटाते हैं, बार बार क्यों चीजें पढ़े? ये आ गया है आपका, बस थाम थाम थाम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, फर्स्ट यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, ठीक है। धीरे धीरे अपन समझेंगे कि कौन कौन सी चीजें इसके अंदर बताई गई है, सारे प्रिंसिपल में एक एक करके आपको बताऊंगा। तो अकाउंटिंग के कुछ प्रिंसिपल्स है, है ना, जिसमें एक कंसेप्ट दे रखा है और एक कन्वेंशन दे रखा है। कन्वेंशन का मतलब है सम्मेलन, हिंदी में सम्मेलन बोला जाता है, और कंसेप्ट का मतलब जिनके थ्रू ये लिखी जा रही है। और कन्वेंशन यानी कि जो उनसी चीजें नोट की जाएगी, यानी कि कैसे लिखने का इकट्ठा करने की पद्धति, आप ये समझ लीजिए, ठीक है। तो कंसेप्ट कौन कौन से है, अब केवल सुन लीजिए, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। पहला है एंटिटी कॉन्सेप्ट, यानी कि एंटिटी कॉन्सेप्ट यानी कि एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कह रहा है, एक एक करके आ रहा हूं मैं, है ना। एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कह रहा है बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है, बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। सर क्या बात हुई, क्या बोले क्या बोले, यानी राम एंड सन्स कंपनी और राम एंड सन्स कंपनी के ओनर दोनों अलग अलग है। सर होता तो वही है, किराने की दुकान का मालिक ही किराने के नाम से जाना जाता है, नहीं, लेकिन अकाउंट्स में बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। यानी कि किसी व्यापारी की मृत्यु यानी कि धीरूभाई अंबानी का स्वर्गवास रिलायंस का खात्मा नहीं है, और रिलायंस का खात्मा किसी उनके ओनर का स्वर्गवास नहीं है, दोनों अलग अलग है। आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएट हो जाता है जब हम बिजनेस में चले जाते हैं, यानी कि बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ये केस कर सकता है किसी के ऊपर, इसके ऊपर केस किया जा सकता है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अर्न करता है, इसका इनकम टैक्स, इसका जो टैक्स होता है वो दिया जाता है, और बिजनेसमैन अलग है। तो बिजनेस जो बिजनेस में पैसा लगाता है, ये जो बिजनेस में पैसा लगाता है पहली बार, इसको कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटल, जिसको हिंदी में पूंजी बोला जाता है।
क्या बोला जाता है? पूंजी बोला जाता है। तो बिजनेसमैन जो बिजनेस में पैसा लगाता है उसको कैपिटल बोलते हैं और उसी को पूंजी बोलते हैं। यानी कि ये अगर बिजनेस को पैसा दे रहा है तो बदले में बिजनेस इसको कोई लाभ देगा। बिजनेस में जब भी कंपनी वाइंड अप होगी यानी कि बिजनेस का खात्मा होगा, इसकी कैपिटल इसके पास ऐसे उधार की तरह रहेगी और बिजनेस को वो लुटानी होगी। यानी कि बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है, इसी को सेपरेट एंटिटी का कंसेप्ट बोलते हैं। समझ में आया? यानी कि मालिक अलग और दुकान अलग। दूसरा कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट यह है कि जो भी आप ट्रांजैक्शन नोट करोगे वो कॉस्ट बेसिस पे होना चाहिए, उसके अंदर प्रॉफिट का हिस्सा नहीं होना चाहिए। उसके अंदर जो वस्तु का लागत मूल्य है वही लिखा जाए, वस्तु का लागत मूल्य है वही लिखा जाए। तीसरा कंसेप्ट तो बोल रहे हैं गोइंग कंसर्न का कॉन्सेप्ट, यानी कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अच्छा, एक एक करके बता रहा हूं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बार 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 कंटिन्यूस चलने वाली एक्टिविटी है, यानी गोइंग कंसर्न है, रुकता नहीं है, कंटिन्यूस चलते हैं। और इसके अंदर आपको यह चलिए अगला पीरियड आई गया गोइंग कंसर्न, यानी कि कंटिन्यूस एक्टिविटी है। बिजनेस इज नॉट अ वन डे जॉब, इट इज अ कंटिन्यूस एक्टिविटी एंड डे बाय डे, ईयर बाय ईयर, मंथ बाय मंथ इट्स गोइंग। यानी कि बिजनेस लंबे समय तक चिरंजीवी रहेगा, बिजनेस एक महीने दो महीने के लिए नहीं किया, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स मानती है। कुछ बिजनेस बंद हो जाते हैं छह महीने बाद, साल भर बाद, लेकिन यहां पर नहीं माना गया है। अगला है अकाउंटिंग पीरियड कंसर्न। अकाउंटिंग पीरियड होता है भैया, अकाउंटिंग पीरियड होता है, क्या है? 1 अप्रैल आने वाली है टू 31 मार्च ये भी आने वाला है, 1 अप्रैल से 31 मार्च 1 अप्रैल टू 31 मार्च ये अकाउंटिंग पीरियड होता है। एक होता है कैलेंडर पीरियड जो होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, पर हमारा अकाउंटिंग पीरियड कौन सा है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। आई होप आपको क्लियर हो गया।